ये डी है। तो ये पेपर हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये पेपर बुकलेट है, तो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको देख लीजिए, पढ़कर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो देखिए कीबोर्ड क्या होता है, आउटपुट नहीं होता, ये इनपुट होता है। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग, देखिए दोस्तों और एक चीज़ और हम बता देते हैं इसमें। इसमें देखिए आंसर शीट से मिलाया हुआ आंसर है, यानी कि जो आंसर शीट हमारी UPPCL 2015 की थी उससे इसको, जिसका पेपर है उसने इसको मिला रखा है, और इस पर जो पेंसिल से टिक है ये उसके राइट आंसर्स हैं यहाँ पर। तो देखिए देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला है स्प्रेडशीट, दूसरा है स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आप इंग्लिश में पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है हमें दोस्तों। तो ऐसा ही आइडिया है इसका, तो हम देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम? तो देखिए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, MS एक्सेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए यहाँ पर टिक भी किया गया है। फिर इसी तरह से कंप्यूटर में त्रुटि को क्या कहते हैं, तो बग कहते हैं, सभी लोगों को पता ही होगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई यूज किया जाता है। तो देखिए आप देख रहे होंगे कितने आसान क्वेश्चन है। आप जो हमारा 40% यहाँ पर लाना है क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर सेक्शन को, तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो हमें तो नहीं लगता कि आप ये बहुत डिफिकल्ट आपके लिए रहेगा कि आप 40% मार्क्स न गेंस कर सकें। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता है तो आप ऐसा पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि आप जो है 40% मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स आप आराम से बड़े आसानी से गेन कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के और क्वेश्चन है, देख लीजिए। किसी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग ग्रुप में फाइल द्वारा किए सर्च किया जाता है, इसमें देखिए हम क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसर्च इन डॉक्यूमेंट बाई फाइंड इन द एडिटिंग ग्रुप्स? तो इसमें देखिए सिंबल दिया गया है आपका सही आंसर। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन हैं, तो देख लेते हैं हम धीरे धीरे आपको दिखा देते हैं। फिर इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित को कहा जा सकता है? तो देखिए इसमें एल लैन है, मैन है, पैन है और वैन है। तो हमारे हिसाब से दोस्तों इसमें वैन होना चाहिए, बस इस पेपर में टिक पैन लगा हुआ है, वैसे वैन हमारी समस्या आता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए आप देख लीजिएगा और इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे दीजिएगा कि आपका वैन होगा इसमें आंसर या पैन होगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से और सारे इसमें क्वेश्चन हैं। देखिए ये मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम मैक्रो कहते हैं। मैक्रो मतलब देखिए मैक्रो भी छोटे वर्ड से रिलेटेड है, तो उसी से कुछ इसका होता है। आप देखिए ये देखिए देखिए हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट भी करवाया है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको। एक प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। देखिए मैंने 3 प्रैक्टिस सेट इस पर बनाए हुए हैं, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड शायद फोर्थ भी मैंने बनाया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके मैं उन सारे सेट्स के लिंक्स आपको दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उन सेट्स को देख सकते हैं। काफ़ी इससे मैच करते हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें, लगभग 20 to 25 या 30 कुछ नहीं, इस तरह से हर सेट में मैंने रखे हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं और देख लेते हैं। जैसे कर्सर के बाई ओर से डिलीट करने के लिए कौन सी की प्रयुक्त होता है, बैक स्पेस? ये देखिए ये तो हमें लगता है कि जो मैंने दिए हुए हैं 1 बाइट में से किसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। तो इस पर मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर हैं। फिर MS वर्ड में F11 निम्नलिखित में से शॉर्टकट की है, तो ये हाइपरलिंक इंसर्ट करना होता है, इसके लिए F11। ये देखिए मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस सेट में इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, आप वहाँ जाकर, मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो उसमें जाके आप सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसी तरह के हैं। और अगर आपको और प्रैक्टिस सेट चाहिए और आप और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप हमें मैं जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको चाहिए नहीं, और अगर करते हैं तो हम शायद उस पर और भी 1-2 प्रैक्टिस सेट आपके सामने पेश करेंगे। तो देखते हैं, और इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो ये देखिए आगे और बढ़ते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? देखिए इसमें कौन सा है, पावर पॉइंट, इसका हम इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर? तो ये आपका बन के निकल करता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर उसके बाद CGI का फुल फॉर्म क्या है? देखिए कॉमन गेटवे इंटरफेस देखिए इसमें दिया हुआ है, और एक MB के 1024 KB के बराबर होता है। देखिए कितना कितना सिंपल सा पेपर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल पेपर है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये सारे आप देख सकते हैं, इसी तरह के बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। आप बड़े आसानी से इसमें जो है 20 मार्क्स तो बड़ी आसानी से 50 में आराम से ला सकते हैं अगर इस तरह का पेपर आता है। और जहाँ तक उम्मीद है कि इसी तरह का ऑफिस असिस्टेंट के लिए पेपर फिलहाल इसी तरह का आने वाला है, थोड़ा ARO के लिए थोड़ा सा लेवल हाई होगा, लेकिन उसको भी अगर आपको बेसिक
ही आपने अच्छे से पढ़ रखा है, काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसको भी आप बीट कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आप उसको ना निकाल पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए आप, वीडियो पॉज करके आप देखते रहिएगा और पेपर को सॉल्व करिएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर ये देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में गो टू मेनू के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो गो टू मेनू के लिए कंट्रोल प्लस जी ये गो टू मेनू के लिए शॉर्टकट की है। और एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के प्रोविजन के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो स्लाइड के प्रोविजन के लिए कंट्रोल प्लस एम है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद एलयू निम्नलिखित का पार्ट है, देखिए एलयू होता है सीपीयू का पार्ट होता है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका ही एक पार्ट होता है एलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और फिर देखिए है रीडू, तो अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई का उपयोग करते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, तो देखिए मूल ऑपरेशन में से कौन सा, देखिए अंगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन या समय और पुनराक्ति, तो इसमें से तो आल ऑफ दीस, इसमें सारे ही मूल ऑपरेशन हैं इसके, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइव, तो रिट्राइवल, ये सारे ही इसके मूल ऑपरेशन में आते हैं, नहीं सभी इसमें से हो जाएगा। इस तरह से आगे भी देखते हैं, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को आगे कर रहा हूँ, आप इनको पॉज करके सारा देख लीजिएगा और इनको सॉल्व करिएगा। देखिए इसमें जो टिक लगे हुए हैं, जो पेंसिल से टिक लगे हुए हैं, वो सारे सही आंसर हैं, आंसर शीट से मिलाए हुए आंसर हैं, तो आप उनको आंसर भी देख लीजिएगा और अपना सॉल्व करके भी देख लीजिएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है और कैसे आप इसको, कितने मार्क्स आप गेन कर पा रहे हैं इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से कुछ हमारा पेपर आ रहा है। ये देखिए देखिए डब्ल्यू रोम डब्ल्यू ओ आर एम का फुल फॉर्म क्या है, देखिए राइट वंस रीड मैनी, ये देखिए खुल के आ रहा है, और इसी तरह से क्वेश्चन इसमें आते हुए दिख रहे हैं आपको। फिर आगे आते हैं, देखिए आप ये देखिए अभिरुचि एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड में आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, देखिए ये तुम्हारा पार्ट टू आ जाता है, इसमें जो है जीएस के क्वेश्चन किस तरह से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, संतूर, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं देश में, फिर यहाँ देख लीजिए पुस्तक मेकिंग इंडिया ऑसम के लेखक कौन से हैं, तो ये देखिए चेतन भगत, मेकिंग इंडिया ऑसम, उन्होंने चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक मेकिंग इंडिया ऑसम के लेखक की लेखिका लेखक या लेखिका कौन है, देखिए दोबारा रिपीट कर दिया है मैंने, तो देखिए इसमें भी चेतन भगत हैं। फिर इसमें आगे बढ़ जाते हैं, राष्ट्रपति की किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत लागू कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 356 होता है, तो देखिए जहाँ तक मेरा माइंड में है 352 से 360 के बीच जो होते हैं जितने भी अनुच्छेद आ जाते हैं ये लगभग राष्ट्रपति से ही रिलेटेड होते हैं, और 362 में आई थिंक राष्ट्रपति का कैसे चुनाव या कुछ इस तरह का प्रोसेस है, तो यहाँ पर देखिए 356 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो 256 हैं, 265 हैं, 370 ये हमारे रेंज से बाहर हैं, 352 और 360 की रेंज से, तो यही इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं, विश्व में बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये देखिए जो है कौन सी आप देख सकते हैं। फिर इसमें मैचिंग कुछ दिया गया है कि इस वर्ड को मैच करना है। फिर देखिए केना फिल्म महोत्सव 2016 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये देखिए फ्रांस में हमारा आयोजित हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन निकल के रहता है, देखिए ये देखिए किन्स फिल्म महोत्सव 2016 कहाँ आयोजित है, देखिए तो ये हमारा फ्रांस में आयोजित किया गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो और भी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस और मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने निकल कर आ रहे हैं और इनको आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको, देख सकते हैं इनको 6, 6, 12, 21, 48 इसमें कौन सा है, देखिए टिक किया हुआ है, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जीवन का मृत्यु से, तो शुरुआत का किससे होगा, अंत से होगा, इस तरह से ये कोडिंग है, ये वर्ड्स की कोडिंग, अल्फ़ाबेट जो हमारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में उनकी कोडिंग के हिसाब से इसका बताना है। फिर आगे देख लेते हैं, जी भी आप देख सकते हैं आगे, चलिए आगे देख लेते हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अरे पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर ड्राइव करता है वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं जनरली आप लोगों को पता होगा, ऐसे सी के टाइप थोड़ा है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ये देखिए इसमें किस तरह का पूछा गया था। आरेख में संख्या का कौन सा स्थान चिकित्सकों को दर्शाता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए आपका क्या निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाती है जो खिलाड़ी की जो भी खिलाड़ी हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके मन के यहाँ पर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी देख लेते हैं हम। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। देखिए आयु से रिलेटेड सम क्वेश्चन से, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम से थोड़ी, और फिर ये डायग्राम है ये दी हुई है। फिर उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। अल्फाबेट में कौन सा सबसे पहले आएगा, वर्ड कौन सा बाद में आएगा, इस तरह से आपको इनको व्यवस्थित करता है। फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, इसमें भी वही वही काम करना है। यदि ये देखिए कोडिंग के हिसाब से है, यानी कि फायरवुड को इस तरह से लिखा जा रहा है, तो इसमें जो है फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा, ये सारे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए हिंदी से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आइडिया आप लगा सकते हैं। देखिए इसी पैटर्न से आप क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। देखिए इसमें क्या है, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय मनाएगा, तो क्या मनाएगा, रजत जयंती। देखिए 25 वर्ष रजत जयंती, और आई थिंक 50 वर्ष के लिए आपका होता है स्वर्ण जयंती, और 100 वर्ष के लिए हीरक जयंती मनाया जाता है। फिर उसके बाद रहते हैं, संसद के दोनों भवन में इस बार ने शीघ्र ही एक रूप ले लिया, तो मतलब अप्रत्याशित रूप ले लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हिंदी में पूछे जाएंगे। निरंतर अभ्यास करने से जड़मत भी सुजान हो जाता है। देखिए सुना नहीं, जड़मत होत सुजान, आपने सुन रखा होगा, तो इस तरह से ये होगा। फिर अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और भरपूर प्रकाश का, और पूर्णिमा भरपूर प्रकाश का। फिर ये कुछ इरर्स हैं, किसी कार्य के करने की शारीरिक शक्ति सामर्थ्य कहलाती है, कोई गलती नहीं। तो इसमें पहला है किसी कार्य, और इस तरह से ये है, देख सकते हैं आप और इसको देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिर आज प्रत्येक भाषा में विकासशील बनकर संपूर्ण ज्ञान को सरजते हुए चलना है, इसमें क्या गलती है, आपको टिक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर अपना रंग जमाना मतलब कि प्रभावित करना, दांत पीसना मतलब कि क्रोध प्रकट करना। तो इस तरह के आपके जो हैं मुहावरे हैं, इस तरह से जो है आप इनको देख सकते हैं। फिर हाथ पांव फूल जाना मतलब कि बुरी तरह घबरा जाना, तो इस तरह के ये मुहावरे हैं, आप देख सकते हैं। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, और संरचना मतलब बनावट या गठन, तो ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए इसमें, देखिए ये देखिए इसमें दिया गया है आपको, मतलब सेंटेंस को अरेंज करना है, सारे टुकड़ों में दिए गए हैं और ये अरेंज नहीं है, तो इनको अरेंज करना है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से अरेंज किए गए हैं। ये नेक्स्ट है, दूसरा, शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान तैयार होने जो समाज कल्याण और राष्ट्र करने का तैयार है। तो मतलब इसमें शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक अपना सर्वोच्च बलिदान, तो इस तरह से इसमें कैसे हो सकता है, आप देख सकते हैं।